नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आज झारखंड आरजेडी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखा गया जिसमें रंजन कुमार को पार्टी के द्वारा दोबारा युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो आइए उनसे सुनते हैं कि वो संगठन को मजबूत बनाने के लिए क्या करेंगे। पार्टी ने आपको दोबारा युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादनी लालू प्रसाद यादव जी, बिहार प्रतिपक्ष के नेता, हम सब युवा के चहेते माननीय तेजस्वी यादव जी, अपने युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बुलो मंडल जी एवं हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई संजय सिंह यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझ पर विश्वास जताया है और पुनः मुझे युवा राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी मुझे मेरे कंधों पर दिया गया है। तो मैं भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने मेरे ऊपर अपना उम्मीद जताया, भरोसा जताया, उस तरह मैं भी उनके उम्मीदों पर खरे उतरने की भरपूर कोशिश करूंगा और मैं यही चाहूंगा झारखंड के एक एक गांव में एक एक युवा को राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि युवा ही किसी भी संगठन का रीढ़ होता है, युवा देश का भविष्य होता है। अगर हम युवा से जुड़ेंगे तो हमारा राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं के साथ मैं एक एक गांव, एक एक कस्बा में जाऊंगा और युवा राष्ट्रीय जनता दल को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारों को, तेजस्वी यादव जी के विचारों को कि कैसे तेजस्वी यादव ने हमारे युवाओं के लिए क्या सोचा है, उनके लिए रोजगार के लिए लड़ा है, रोजगार की बात कही है, उनके हम नीति सिद्धांतों को बताएंगे और युवा राष्ट्रीय जनता दल को एकजुट कर हम राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड में एक मजबूत स्तंभ बना के खड़ा करना चाहिए। हमको युवा राष्ट्रीय जनता दल अलग संगठन नहीं है, हम राष्ट्रीय जनता दल का ही एक पार्ट है और उसका एक विंग है। हम उसी के तहत राष्ट्रीय जनता दल के लिए ही हम काम करेंगे, जिससे कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी का जो नीति सिद्धांत है उनको हम गांव-गांव में, घर घर में जाकर बताएंगे। उनके जो लड़ाई लड़ी है, जो छात्र जीवन से आज तक लड़ते आ रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे थे, पिछड़ों की बात कर रहे थे, सबकी बात करते आए हैं और जो बैक बेंचर हैं उनको आगे बिठाने के काम करते आज तक आए हैं, जिसका कि नतीजा है कि उनको आज जेल के पीछे जाना पड़ा है और इसका सब षड्यंत्र केंद्र सरकार ने रची है, क्योंकि उनसे उनको काफ़ी डर था। तो हम उनके साथ एक मजबूती के साथ खड़े होंगे और हमारे ये राष्ट्रीय जनता दल के जितने परिवार हैं उनको हम मजबूत करने का काम करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।